नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक स्मार्ट 3.7 वोल्ट ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 6 वोल्ट रिले और एक IRF Z44N MOSFET। उसके बाद इस MOSFET का ड्रेन पिन हम रिले के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन हम मॉस्फेट के सोर्स पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और इस मॉस्फेट के गेट पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 10K प्रीसेट। उसके बाद इस प्रीसेट का मिडिल पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद प्रीसेट के इस पिन को हम इस 1K रजिस्टर के इस पिन के साथ और प्रीसेट के इस पिन को हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 20 LED बल्ब, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस रेड LED का पॉजिटिव पिन हम रिले के इस पिन के साथ और इस ग्रीन LED का पॉजिटिव पिन हम रिले के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम ये 2 LED बल्ब के 2 नेगेटिव पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का कैथोड पिन हम इस मॉस्फेट के ड्रेन पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद अब हम लेंगे एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम इस पिन के साथ और रिले के ये 2 पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।